अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम जिम जाते हैं, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारे पैक्स बन जाए, हमारा बैली शेप अप शुरू हो जाए। कोई कुछ बने ना बने, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अगर बैली है तो वो फ़ौरन जो है ना फिट हो जाए। कौन सी एक्सरसाइज है जिसे हमने फर्स्ट करना है और सेकेंड नंबर पर करना है, फिर थर्ड नंबर पर करना है? कौन सी डाइट है? जब आपने एब्स वर्कआउट या फैट बर्न करनी है, एब्स शेप में लाने हैं, तो डाइट का मैं आपको पहले बताऊं। फर्स्ट अपनी डाइट से फैट टोटल आउट कर दें, प्रोटीन डाइट रखें, वो डिटेल में हम बातें करते रहेंगे। उसके अलावा मौसम विंटर है, कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉफ़ी 300 mg से ज़्यादा आपने, मतलब 2 servings आपकी बनेंगी, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। वाटर इनटेक आपने ज़्यादा करना है। चलें ऐप वर्कआउट में, बेसिक ऐप वर्कआउट, और उसमें मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, इसलिए वो 500 रैप्स भी लग जाएं तो फिर भी गलती करते हैं। कौन सी मिस्टेक्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं रॉन्ग बताऊँगा, फिर आप राइट बताऊँगा। उनमें परफेक्शन में ऐसा होगा कि 15 रैप्स से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। वैसे आप बोलोगे कि हाँ 500 रैप्स हम लगा रहे हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा, साइड से भी नहीं कम हो रहा। छोड़ो यार, खा लो, इसकी जगह खा लो, ऐसा नहीं है। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल कंसंट्रेशन आपको चाहिए, माइंड कंसंट्रेशन के मैं कौन से मसल की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, ये नॉलेज है जो बताना है हमने। और ताकि बिगनर्स ऐसी मिस्टेक ना करें, जिम जाएं और अच्छे से शॉर्ट टाइम में बॉडी फिट होना शुरू हो जाए। चले फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसको आप बेंच पर भी कर सकते हैं और मैट के ऊपर भी, फ्लोर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, हमने फोरम पैक्स नहीं बनते, इसकी स्टेजेस हैं। हमने पहले बैली को फ्लैट करना, फ्लैट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, लेग रेजेस। लेग रेजेस हमने करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, साथ साथ मैं बताता हूँ। डंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ मैट, स्ट्रेट ले डाउन। ट्रेनिंग में ब्रीथ सर्कुलेशन, सांस का लेना, कब लेना है, कब फ्लो करना है, इसको बहुत आपने ध्यान से सुनना है। लेग रेजेस करने हैं। अगर कमर पे प्रेशर आ रहा है तो हाथ कमर के नीचे रख सकते हैं, अगर नहीं तो स्ट्रेट। ब्रीथ सर्कुलेशन फर्स्ट में रॉन्ग लगाता हूँ, गलती क्या करते हैं, लगाते जाते हैं, पता ही नहीं सांस कब लेना है कब नहीं, ये है रॉन्ग। जब आपने लेग्स ऊपर की तरफ आए, आपने फ्लो करना है, और जब लेग्स डाउन जाए, फर्स्ट नीचे स्लो मोशन में जाना है, थोड़ा स्लो जाना है। कैसे करना है, मैं कमर के नीचे हाथ रखता हूँ ताकि बैक पे प्रेशर ना आए। फिंगर टिप आगे की तरफ होना चाहिए, इनसाइड नहीं होना चाहिए, ताकि लोअर बेली पे इफेक्ट आए। ओके, नाउ ब्रीथ इन, सिक्स सेवन एट, ये है राइट पोजिशन, इसको आपने करना है। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और वापस आपने स्लो जाना, झटका नहीं देना। मोस्टली आपने देखा होगा झटका देते हैं, प्रेशर का तो पता नहीं चलेगा, कहीं झटका हिप पे पड़ रहा है, कहीं थाइस पे पड़ रहा है, कहीं चेस्ट पे पड़ रहा है। उसके बाद हमने बेसिक जो करना है, स्ट्रेट ले डाउन मैट के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट मूव करना है, हेड की पोजीशन थोड़ी सी अप रखनी है, उठा के इस तरह नहीं लगेगा, और इसको भी झटका नहीं देना है, फिर आपके सर पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। मूवमेंट राइट, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है राइट पोजीशन। रॉन्ग में आप बताता हूँ, यहीं पर आके अजीब सा झटका देंगे, मालूम नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं, और सर को वहीं रखेंगे। आपके फिर ये साइड मसल, लव हैंडल तो स्ट्रेच तो हुए ही नहीं है, एकदम लग नहीं रहा, टांगों को दूर ले जाएंगे, बैलेंस, ये है राइट। एक रिदम है ताकि आपके सेंटर बैली जो है ना स्ट्रेच रहे, स्टिफ रहे। 1 2 3 4 5 6, टच करते मैं फ्लो कर रहा हूँ, 6 7 8 9 10,
7, 8, 9, 10. टू एक्सरसाइज राइट एंड रॉन्ग, इन चीज़ों को देखना है। 15 रैप से ज़्यादा आपको लगेगा पता नहीं मेरी बैली कितनी स्ट्रांग हो गई है और कितनी स्टिफ हो गई, मीन्स कि इफेक्टिव है। और जितने भी रेपिटेशन आपने लगाए डायरेक्ट आपके मसल पे हिट किए हैं। उसके बाद प्लैंक्स आपने सुना होगा, लेकिन प्लैंक्स हमने ट्विस्ट में लगाना है। बैली आपके मसल हमने पहले ही स्टिफ कर लिए, अब इसका बेनिफिट प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पर हिट अप टाइम है। प्लैंक शेप में हम पोजिशन ले लेते हैं, पाँव साथ जोड़ने। अब प्लैंक में मिस्टेक ये करते हैं कि हम हेड डाउन करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये रॉन्ग है। इसमें फेस पोजीशन आपकी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ओके, स्ट्रेट देन राइट टू लेफ्ट मूव करना है। सांस आपने बहुत ज्यादा लंबे नहीं लेने, शॉर्ट हो। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. मुझे तो लग रहा है अभी से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। 10 रैप्स ईच साइड हमने करना है। रॉन्ग मैंने आपको बताया है कि क्या मिस्टेक्स करते हैं, हेड डाउन करते हैं, हिप पोजीशन थोड़ी सी अप हो जाती है, सेम लाइक इस तरह। ये रॉन्ग है जो मोस्टली 80% जो ना मैंने देखा है जिम में मिस्टेक करते हैं। ये यार इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि इस तरह तो मसल भी कोई डैमेज हो सकता है। ये है रॉन्ग, फेस डाउन, हिप अप, पोजीशन तो आ ही नहीं रही, इसका मतलब है हिप पे प्रेशर आ रहा है, बैली पे तो आ ही नहीं रहा। ये है राइट पोजीशन, फेस स्ट्रेट, बैली में कोई कर्व नहीं है। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. परफेक्शन, कहीं भी आप चले जाएं, परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी मसल कंसंट्रेशन नहीं होगा, ध्यान किस मसल पे है वहाँ पे। और ट्रेनिंग करते खास तौर पे देखें कि सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दें, इधर उधर नहीं, किसी के बाद ही ध्यान उधर चला गया, ऐसा कुछ नहीं करना। और इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये मिस्टेक्स हैं, और रिज़ल्ट 110% गारंटी के साथ। चलें अब हम क्रंचेस करेंगे। इसमें क्या करना है, किन चीज़ों को फोकस करना है और कौन सी लोग मिस्टेक्स करते हैं। इसको स्ट्रेट ले डाउन होना है। इसके बाद ये कम्बिनेशन है, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई, सेकंड बताई, इसी पैटर्न से आप करें शेप अप होना शुरू हो जाए। लेकिन डाइट का खास ख्याल रखना है। स्ट्रेट ले डाउन, क्रंचेस, ब्रीथ सर्कुलेशन, जब आपने ऊपर आना है फ्लो करना है, ब्रीथ आउट करना है। फर्स्ट बिगिनर पोजिशन ईजी है, स्ट्रेट आर्म हिट करना है, देन स्लो स्लो राइट। अब लो क्या गलती करते, ये रॉन्ग है, समझ आ नहीं रही, उसको थोड़ा सा स्टे तो दो, मसल को पता चले कि हम कौन से मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये है राइट पोजिशन, होल्ड 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 15 रैप्स होल्ड। लेकिन हम फिर क्या कहते हैं कि गलत लगा रहे हैं, 500 है जी, आज हमने 500 रैप्स लगाए लेकिन बना हमारा कुछ नहीं, मिस्टेक्स है ना। अब ये लगाते हैं, ऐसा तो आप जितने मर्जी लगा लो कोई फ़ायदा नहीं है। स्लो मोशन में एग्जैक्ट आपके मसल पे हिट हो वो हमने करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिब्स
टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ये जनरल मिस्टेक्स हैं और राइट एंड रॉन्ग, ताकि आपको पता चले कि मैं करके आ रहा था और अब इसका जो परफेक्ट एंगल है वो क्या है। चलें ये एक्सरसाइज करें, हमें फीडबैक भी दीजिएगा आप। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट रहमान अब्बास। खुश रहें, फिट रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।